रविवार को कटरा क्षेत्र में हुई एक बालक की निर्मम हत्या की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। गांव में मड़ी पर रहने वाले एक बाबा ने अपने अवैध संबंध का राज छिपाने के लिए बालक को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने हत्यारोपी बाबा को गिरफ्तार कर आला कत्ल भी बरामद किया। आपको बता दें कि गत 31 दिसंबर को थाना कटरा क्षेत्र के ग्राम पिपरी निवासी कल्याण के 11 वर्षीय पुत्र अमित की छत-विछत शव गांव के बाहर मैथा प्लांट के पास बरामद हुई थी। अमित 30 दिसंबर की रात को खाना खाकर दूसरे घर से दादी के पास सोने के लिए गया था। बालक की निर्मम हत्या को लेकर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को सुराग लगा, जिसके आधार पर उन्होंने मढ़ी पर रहने वाले बाबा सुवालाल को हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर सुवालाल ने घटना को कबूल किया। उसने पुलिस को बताया कि उसके गांव की रहने वाली एक महिला से अवैध संबंध थे, जिसको बालक ने देख लिया था। घटना से एक दिन पहले मृतक अमित ने उसे महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। उसे डर था कि अमित गांव में उसकी पोल खोल देता, इसलिए उसने अमित को घर से बाहर बुलाकर मैथा प्लांट के पास हसिये से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतार दिया। बाबा ने खून से सने अपने कपड़े और हसिये को मड़ी के पीछे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर खून से सने कपड़े व हसिया को बरामद कर लिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक क्रांतिवीर सिंह, उप निरीक्षक इंद्र कुमार, उप निरीक्षक आसिफ अली, सचिन कुमार, जयप्रकाश अमरजीत, सभी क्राइम ब्रांच और कटरा थाना प्रभारी धनंजय सिंह, चालक सौरभ खान आदि मौजूद रहे। पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी ग्रामीण सुभाष चंद शाक ने घटना का खुलासा करने वाली टीम की प्रशंसा की और पकड़े गए हत्यारोपी बाबा सुवालाल को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। मेरे प्रिय क्षेत्र वासियों को हमारी तरफ से कुछ मुख्य संदेश। स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही संकल्प है। बेटी ब्याह जिस घर में शौचालय हो उस घर में सर्वेन्द्र कुमार शुक्ला, ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खंड भागनगर, जनपद हो रही है। 31 दिसंबर को सुबह अमित पाल निवासी की लगभग 11 वर्ष इसका सौ गांव के बाद मेहता प्लांट के पास पड़ा गया था। घटना की सूचना पर तुरंत ही थाना पुलिस सर्वलांस वाटी में और हम सभी अधिकारीगण पहुंचे थे। मौके पर व्यापक गहराई से छानबीन शुरू की और थाना कटरा परिसर में एक अभियुक्त मर्डर का पंजीकृत किया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक गहन पूछताछ, घटनास्थल का निरीक्षण और गाँव के तमाम लोगों से पूछताछ के दौरान ये संज्ञान में आया, जहाँ घटनास्थल से ठीक 50 से 100 मीटर पहले एक मड़ी बनी हुई है, मंदिर से बना हुआ है, वहाँ पर एक बाबा जी है, उनका इन्वॉल्वमेंट इस घटना में पाया गया और उसका मोटिव था वो स्पष्ट था कि एक महिला के साथ इस बच्चे ने उनको आपत्ति में किया था, जिस कारण से उनका राज न खुल जाए इस बच्चे की जनसंख्या हसिया से कर दी गई। इस संबंध में जो भी दारू राजपूत की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को तहे दिल से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ वैष्णो फर्नीचर की तरफ से औरैया समस्त औरैया जनपद वासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। सुशील दुबे, दिल्ली।